इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे लुभावने और ललचा देने वाले ग्रुप में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, या फिर दोनों में से कुछ भी ना करें, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। जब बात अडानी ग्रुप की हो रही हो तो ऐसी कन्फ्यूज़न का होना आम बात है, क्योंकि अडानी के स्टॉक प्राइसेस में आए दिन बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है, जिसको ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों ही समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप की एक बहुत ही प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक खरीद रखा है या फिर इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आज की इस वीडियो से आपको अडानी एंटरप्राइजेस का एक ओवरव्यू मिलेगा, जो आपको एक सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा कि आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के विज़न, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कंपनी के बिग इन्वेस्टर्स और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए। बाय द वे, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखें और ख़ुद से सही डिसीज़न लें। आज की ये वीडियो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर किसी तक पहुंच सके। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड साल 1993 में गौतम अडानी द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। ये अडानी ग्रुप की सबसे प्रमुख कंपनी है, जिसके अंडर अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन जैसी कंपनीज आती हैं। हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस ने निफ्टी 50 इंडेक्स में अपनी जगह बनाई है और निफ्टी 50 में इसकी वेटेज 1.25% है। अडानी एंटरप्राइजेस माइनिंग, एयरपोर्ट्स, रोड रेल्स, वाटर, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो और डिफेंस जैसे वेरियस इकोनॉमिक्स एरियाज में काम करती है, जो देश को एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की हैसियत रखती है। अडानी एंटरप्राइजेस का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू IRM यानी इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट और माइनिंग सर्विसेज से आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के एरिया से अडानी एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर इस कंपनी के बिग रेवेन्यू सोर्सेज की बात की जाए तो वो IRM एंड माइनिंग सर्विसेज ही हैं। कंपनी का विज़न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में वर्ल्ड लीडर बनने का है, जिसे ये अपने नेशन और लोगों की ज़िंदगी को बदलने का हाई एम्बिशन रखते हैं। सिर्फ हाई एम्बिशन एंड विज़न से कंपनी की ग्रोथ का आइडिया नहीं लगाया जा सकता, और ना ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगी भी या नहीं। इसके लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें एक आइडिया मिल सके कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21-2022 में लगभग 75% से बढ़ा है। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी की नेट इनकम की बात की जाए तो उसमें लगभग 16% का फॉल देखा गया है, और EPS में भी लगभग सेम 16% का फॉल देखने को मिलता है। PE रेशियो को अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस बहुत ओवर वैल्यूड है। इन शॉर्ट, कंपनी की इनकम रिपोर्ट कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब नज़र मारते हैं इस कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में अपने एसेट्स में 96% की बढ़ोतरी की है, जबकि कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ में 128% की, जो कि एसेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास एसेट्स से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, और वो लाइबिलिटीज़ डेट की फॉर्म में हैं। अगर कंपनी के डेट की बात की जाए तो फिलहाल अडानी एंटरप्राइजेस पर 43,850 करोड़ रुपीज़ का डेट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कैश फ्लो हर कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आई थिंक अडानीस ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस की अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी जाए तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के पास कैश फ्लो ना के बराबर है। अडानी एंटरप्राइजेस का कैश फ्लो पिछले 3 सालों से नेगेटिव में है, और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए
तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के 72% स्टेक्स हैं, जिसमें से 2% स्टेक प्लेज्ड हैं और बाकी के 70% स्टेक्स प्रमोटर के पास हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के पास 1.27%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 4%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 6% के करीब हिस्सेदारी है। और गौर करने वाली बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले अडानी एंटरप्राइजेस में हर क्वार्टर अपने स्टेक कम करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अडानी एंटरप्राइज के अगर बिग बुल्स यानी बिग इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उसमें 5 नाम सबसे आगे आते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के टेक्निकल्स की अगर बात की जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम में अभी स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टॉक अपने 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है विद RSI बिलो 50। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक अभी इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। अडानी एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखकर ये पता चलता है कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी के लिए सही चॉइस नहीं है। मे बी इन फ्यूचर ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी ये स्टॉक इतना कन्विंसिंग नहीं है। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो पर्सनली आई बिलीव कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ खास रिटर्न नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है तो आप पोजिशनल ट्रेड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट मैं पर्सनली इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखूँगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे या कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल की ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।